नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और घर पर होंगे। अपने सभी परिवारजनों का भी आप अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और लगातार अपनी जो स्टडी है वो इस कोरोना काल में लगातार जो है ज्ञान की वृद्धि कर रहे होंगे। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी पॉलिटी, जिसमें अभी तक हम 3 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप उन लेक्चर को देख पाएंगे। तो आज हम ये लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें राज्य एवं संघ इस बुक का ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, ये बुक भी आप परचेज करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छी बुक है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत लेक्चर की। इससे पहले एक मोटिवेशन, अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जो आपने स्टडी अभी आप फिलहाल कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना बीच बीच में बदल जाते हैं, मेरा टारगेट ये है अब ये छोड़ देते हैं, फिर अभी अब कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में नेगेटिविटी जो है भरी हुई है। लेकिन आपको इस पॉजिटिव तरीके से लेना है कि जिस सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस थी उसको मैं अभी जो है अलग कर दूंगा, उन चीज़ों को जो है अच्छे से उन पे रिसर्च करूंगा या उच्च अच्छे से जो उनको पढ़ के हैं अपनी कमियां दूर कर दूंगा, ताकि जब भी एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो मैं परिपूर्ण तरीके से उसके लिए जो है तैयार होऊंगा और मैं इस पीक के ऊपर जो है पहुंच जाऊंगा, जो मेरा लक्ष्य है। तो अपने इरादे को नहीं बदलना है, बस तरीके, मतलब जिन चीज़ों पर आपको लगता है कि मुझे कार्य करना चाहिए, मतलब जो भी कमियां उनको दूर करना चाहिए, उनको दूर करो, बस उन चीज़ों को किस प्रकार से आप कर पाते हो उन्हीं पे कार्य करो। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास नंबर 4 है ये और चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है या राज्यों का संघ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी बता देंगे बच्चे कि ये राज्यों का संघ है। भारत का प्रथम आर्टिकल, भारत के प्रथम अनुच्छेद, देखिए आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग एक, पार्ट वन, भाग एक के अंतर्गत जो क्या है आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी हैं इनके बारे में उल्लेख मिलता है, आप सब जानते हैं। आप सभी को ये भी पता होगा हमारे अभी 28 स्टेट हैं और यूटी की बात करें तो 8 यूटी हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की देसी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत आज़ाद हुआ या आज़ादी से पहले भारत छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था, जिन रियासतों को एक करके एक स्टेट बनाया गया, एक राज्यों का संघ बनाया गया जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अभी 28 राज्य और 8 यूटी हैं, तो इन रियासतों का जो विलय किया गया वो उन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आपसे जानने हैं, तो वो कौन कौन से, सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वीपी मेनन, सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल केएम मुंशी। तो राइट आंसर होगा क्या, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये दो व्यक्ति थे जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात कितनी रियासतें थी, तो आप सब जानते हैं 562 देसी ऐसी रियासतें थी। ठीक है, ऐसी रियासतें थी जिनको जो है 559 रियासतों को तो जो है भारत में विलय हो गया था, उनको मिला लिया था, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद वाली जिसको पोलो ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से जो है शामिल किया गया था। मतलब 559 वालों को तो ऐसे ही मना लिया गया, लेकिन 3 ऐसे रियासतें थी जो मानी नहीं कि नहीं हम तो स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं, हम जो है शामिल नहीं होंगे। तो जो है हैदराबाद को तो एक पोलो ऑपरेशन चलाया था उसके तहत, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से जो है शामिल किया गया। ठीक है, तो इनमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
और भारत के जो है पटेल के साथ साथ वीपी मेनन ने भी इसमें जो है सहयोग किया था। और पटेल को लौह पुरुष के साथ साथ भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, ये भी आप याद कर सकते हो। इनकी प्रतिमा बनी हुई है, आप सबको पता है गुजरात के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई, और किसने बनाई? राम सुतार ने, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन जो है किसके द्वारा संभाला जाता है, ये क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कौन होता है इसमें? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मतलब LG उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, या गृहमंत्री द्वारा, या प्रशासक द्वारा। तो इसके अंदर हम बात करें तो भारत के संघ राज्यों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति जो है के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। अब भारत का राष्ट्रपति आप सबको पता ही है, रामनाथ कोविंद है फिलहाल, ठीक है, मतलब जो उस टाइम पीरियड पे होगा वही उसका संचालन करेगा। अब आर्टिकल 239 सेक्शन 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। इसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, मतलब उसके अंडर में आता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है। जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दो तो ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री होता है, पुदुचेरी और दिल्ली, उसके साथ साथ LG भी होता है, लेकिन काफ़ी सारे जो 6 अदर हैं उनमें क्या है, LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मतलब अपॉइंट किया जाता है। मतलब प्रशासन तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन वो क्या है, प्रशासक नियुक्त करता है, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पे, मतलब लैंग्वेज, जैसे हरियाणा भी भाषा के आधार पे पंजाब से अलग हुआ, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रथम भाषाई प्रांत आयोग बना तो उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश वांचू, M.C. महाजन, या S.K. धर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका S.K. धर। S.K. धर, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में देसी रियासतों का एकीकरण हुआ, व्यवस्था के आधार पर, मतलब एक अस्थायी व्यवस्था के आधार पर जो एकीकरण किया गया। विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, और किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को लेकर लोगों में डिस्प्यूट होने लगा। तो जून 1948 के अंदर, जून 1948 में जो है सरकार ने S.K. धर की जो अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, मतलब लैंग्वेस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया इन्होंने, और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए, मतलब जो मांग उठ रही है उसके आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फिर, इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, और जिसे जो है JVP समिति के नाम से भी जाना गया था, जे मतलब जवाहरलाल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल वी, और एक थे पट्टाभी पी, जे इसको क्या बोला गया था, JVP समिति बनाई गई थी इसके आधार पे, ठीक है, बाद में आगे जाके जो है भाषाई आधार पे गठन हुआ था। तो सबसे पहला जो आयोग बना था भाषाई आधार पे वो बना था भाषाई प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष थे S.K. धर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? इंपॉर्टेंट है, देखिए तो सीधा बता देता हूँ, 14 राज्य और 6 संघ राज्य के रूप में जो है उस टाइम पे 1 नवंबर 1956 को जो है राज्यों का गठन हुआ था, समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1953 की हम बात करें, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, एक आप सब ने हरियाणा में भी पढ़ा होगा कि जो फजल अली आयोग,
ठीक है, 1953, 1953 में जो एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ, इस आयोग के दो अन्य सदस्य भी थे, के एम पणिकर और एच एन कुंजरू। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की थी, 1953 में ये आयोग बना था, और 1955-56 में, ठीक है, कई जगह जो आपको 1955 में मिल जाएगा और कई जगह आपको 1956 मिलेगा, ठीक है। तो 1956 ही बहुत जगह आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर 1956 ही राइट किया जाता है। तो क्या होता है कि पुनर्गठन के लिए चार आधार बताए इन्होंने, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता अखंडता, वित्तीय प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आदि। तो फिर क्या हुआ, सातवां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा सातवां संविधान संशोधन, ठीक है, सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो सातवां संविधान संशोधन था, और हरियाणा राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को, 18वां संविधान संशोधन था, और 17वें राज्य के रूप में गठन हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो ये आप सब जानते हैं, इजी है, ये पार्लियामेंट के पास होता है। संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है भाई, क्लियर है। संविधान के आर्टिकल 3 में के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य की सीमाओं में जो है चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, एसएससी में तो आता ही रहता है, ठीक है। तो 67वां, मतलब 67, 69, 68 या फिर 70, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बच्चे था, कौन सा था, 69 था ना, तो 69वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ था ये भी पूछ लें, तो 1991 में, आर्टिकल 239 और 239 कैक है, और 239 कैक है, मतलब ए और ए बी कर सकते हो, के जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली संघ राज्य श्रेणी में कायम रखते हुए क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा है उसमें, मंत्री परिषद है उसमें, दिल्ली के अंदर है ना, और इसको क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब एनसीआर जिसको हम बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है ये, एनसीटीडी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है, एनसीआर के मतलब नियर बाय, जैसे हरियाणा के एनसीआर में कितना हिस्सा आता है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, यूपी का कितना हिस्सा आता है, और राजस्थान, जैसे राजस्थान के दो ही जिले आते हैं, ठीक है, हमारे कितने आते हैं एनसीआर में, 14 आते हैं ना, हरियाणा के एनसीआर में कितने आते हैं, 14, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, सारे स्टेट भी देख सकते हैं आप, 28 स्टेट हैं, उनके बारे में देख सकते हैं कि ये कब कब बने, तो पूछ, मतलब एक स्टेटिक पार्ट है ये, पूछा जा सकता है, जैसे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, तो ऐसे ही आपसे राजस्थान पूछ लेंगे, यूपी पूछ लेंगे, छत्तीसगढ़ पूछ लेंगे, तो छत्तीसगढ़ ही अभी आपसे पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की राज्य है वो आप सब जानते हैं, 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को काट कर जो है हम बात करें तो इसको बनाया गया था, ठीक है, मतलब एक सेपरेट कर दिया, किससे अलग हुआ ये आपको, मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, बहुत बढ़िया, अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि 8 नहीं है कई, तो अब जैसे ये बुक है इसमें 7 दिया है, क्योंकि ये पहले की छपी हुई है, तो लेटेस्ट में आपको 8 मिल जाएगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आप किस आधार पे देखेंगे, देखिए 31 अक्टूबर 2019 को J&K एंड लद्दाख, इनको सेपरेट कर दिया गया, आर्टिकल 370 जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, और इसको क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
तो यहाँ पर एलजी नियुक्त किया गया, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा है, ठीक है। अभी पहले इसमें 22 जिले होते थे, अभी लद्दाख जो है वो अलग हो गया इससे, ठीक है। ले और कारगिल उसमें 2 जिले चले गए और 20 इसमें रह गए अभी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितने, हम बात करें यूटी कितनी है आपकी, 8 है। तो 8 है, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी यहाँ पे, क्योंकि दादरा नगर हवेली, जो दादरा नगर आपकी हवेली है, इसमें किसको मर्ज कर दिया, दमन दीव को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अगला है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए, मतलब एक अलग स्टेट नया बने, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा, जिसके तहत एक नया स्टेट जो है क्रिएट होगा। हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रथम अनुसूची है, क्योंकि आपको पता है भाग एक अनुसूची पहली और 1 से 4 तक आर्टिकल हैं, जिसमें राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम है, उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन भी मिलता है इसमें। तो इसके अंदर जो है संशोधन आवश्यक होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था, जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। अरुणाचल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बच्चे कौन सा था ये इसके अंदर अंतर्गत, आपको पता ही है कौन सा था, सिक्किम था ना, ठीक है। तो सिक्किम देखिए, वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम के विदेशी राजनीतिक संचार संबंधी विषय भारत को सौंप दिए गए। और फिर क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 35वां, कब, 1974 में हुआ। तो सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा करके उसे सहयोगी मतलब एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 35वां। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 35 के बाद, 36वां, 1975 में। उसके द्वारा क्या है, पूर्ण राज्य का, अब देखो ना, एक तो सहयोगी के बाद पूर्ण राज्य लिखा हुआ है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको दिया गया था। क्लियर है। चलिए, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। अब ये सारा मामला कौन सुलझाता है, संसद। संसद के दो हिस्से, एक तो हो गया लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति हो गया हमारा तीसरा हिस्सा। तो इसमें क्या है कि कितना बहुमत चाहिए, कोई स्टेट क्रिएट होता है नया, या फिर जैसे अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है यूटी बना दिया। देखिए, संसद जो है कैसा, किस प्रकार से क्या करती है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में प्रस्तुत जो आपका एक साधारण बहुमत आता है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनाई गई विधि, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की विधि जो है नहीं समझी जाएगी। मतलब क्या होता है कि नए राज्य का गठन, वर्तमान सीमाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी पंजाब ने एक नया स्टेट के मतलब एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो स्टेट के हाथ में होती हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें क्या है, मतलब एक नए राज्य में संवैधानिक संशोधन में किस प्रकार का बहुमत चाहिए, तो इस सिंपल बात हो गया, साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसके, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किससे प्राप्त है। देखिए, यहां पर बात करें तो संसद के पास है, ये सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति है वो संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य
भारतीय संघों में प्रवेश या उनकी स्थापना स्टेब्लिशमेंट होती है, तो आर्टिकल 2 में आता है ये, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए तेलंगाना जो स्टेट है वो बना, ठीक है, तेलंगाना स्टेट बना तो 29 स्टेट हो गए हमारे, कितने स्टेट हो गए भाई, 29 हो गए, क्योंकि तेलंगाना का जो गठन है वो हुआ था 2 जून 2014 को, उसके बाद क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जे एंड के को जो है सेपरेट करके जे एंड के एंड लद्दाख यूटी बना दिया, तो फिर 28 हो गए, तो अभी प्रेजेंट में 28 है। यदि तेलंगाना के पश्चात की बात करें तो 29 हो गए थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो है यूटी बना दिए गए दो एक स्टेट को, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये आपको पता ही है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान, मतलब एक सिस्टमेटिक जो है उसकी पहचान करनी है आपको, भी कौन सा पहले किस प्रकार से निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, सिक्किम आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो बात करें आंध्र प्रदेश, तो वो तो बना था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, समझ आ गया। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, ये 53 में बना, ये 66 में बना। हिमाचल है वो, मतलब पंजाब का ही पार्ट था, 1971 में बना, और सिक्किम है वो 1975 में बना। तो सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है, 1 3 2 4, तो बी राइट होगा ना, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम बताना आपको, ठीक है भाई, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर दीजिए। तो राज्यों की स्थापना का जो क्रम हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर देते हैं, इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले जो इसमें ए ही राइट होगा आपका, ये नागालैंड आ गया। नागालैंड कब बना था, ये बना था 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को। फिर मेघालय है वो बना 1972 में, 21 जनवरी 1972 को। फिर सिक्किम की बात करें, 1963 आ गया, 1963 के बाद हम बात करें 1972 आ गया, ठीक है, उसके बाद कौन सा बना है, उसके बाद बना है आपका ये सिक्किम, तो ये 1975 में बना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रह गया, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, तो ये हो गया ना, सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल 20 फरवरी 1987 को बना था, सिक्किम 16 मई 1975 को, मेघालय 21 जनवरी 1972, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, ठीक है भाई, क्लियर आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो सबसे सिंपल पर्सन तो आपके माइंड में, मतलब क्योंकि आप सब ने रट रखा होगा कि आंध्र प्रदेश बना था, कौन सा बना था, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 16 दिसंबर 1956 को, क्या सॉरी एक सेकंड में 16 दिसंबर 1952 को क्या है, भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है, 56 दिन के लिए, पोटी सिरामुल्लू, क्या नाम था उनका, पोटी सिरामुल्लू की मृत्यु होगी, मतलब एक आदमी बैठ गया भूख हड़ताल पे, 56 दिन तक बैठा हो, उस आदमी का नाम लिखे हम, उसका नाम था पोटी सिरामुल्लू, ठीक है, ये बैठ गया अभी भूख हड़ताल पे कि हमें अलग स्टेट चाहिए, और भाषाई आधार पे ये मांग उठी, और इनकी मृत्यु होगी, और जो है उसके बाद जो है क्या हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को जो है अलग कर, मतलब भाषाई आधार पे जो है बनाया गया, मतलब जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको तेलुगु भाषा क्षेत्र अलग कर दिया गया आंध्र प्रदेश, और ये कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है भाई, 53 को, समझ आ गया।
अब बात करते हैं लोकसभा जो निम्न सदन होता है, वैसे तो निम्न सदन राज्यसभा उच्च सदन होता है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हम बात करें कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20, 25, 30 या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आरक्षित तो कितनी है, 20 है, ठीक है। हम बात करें लोकसभा का, हम आर्टिकल 81 में बात करते हैं, 80 में आपकी राज्यसभा है, ऐसा ही है क्या, 80, 81? तो आर्टिकल 81 के अनुसार क्या है, लोकसभा के लिए जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें 20 अधिकतम, जो अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों को लोकसभा सीटों की संख्या जो है 13 बताई गई है। अभी क्या है, थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा क्योंकि 28 राज्य रह गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों में बात करें तो जो विधानसभा वाले तो दिल्ली हैं जिसमें 3 सीटें और पुदुचेरी में 1 सीट है। वैसे ही हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की सीटें हैं ये तो राज्य, और दिल्ली में वैसे जो है 7 सीटें हैं, ठीक है, कितनी हैं, 7 सीटें हैं लोकसभा की बात करें तो। अब इनमें हम बात करें टोटल अधिकतम इसमें 20 हो सकती हैं। अभी यूटी किसको बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो आगे जो है अलग चीज़ें होंगी थोड़ी, तो देखेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा चेंजिंग क्या आएगा, आप समझ पा रहे हो, तो चेंजिंग ये आ जाएगा आपके, उनकी जो आपका, हम बात करें जम्मू कश्मीर है, अभी इसको यूटी बनाया गया है, तो इसमें राज्यसभा की भी 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा जो है देखते हैं क्या होगा आगे। तो यहाँ तक आपको इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों की कितनी सीटें हैं, वो आपकी 20 सदस्य हैं, मतलब अधिकतम हो सकते हैं। वैसे तो चेंजिंग तो क्या है, ठीक है, अधिकतम इतनी हो सकती है। तो ये आपका चैप्टर जो 3rd था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ये सब तो आप कर ही देंगे, ठीक है। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं, 7-8 हज़ार बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप @GoswamiSir GOSWAMI ये सर्च करेंगे आप विदाउट स्पेस, तो आपको चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लें, आप इंस्टा पे जाइए और GK/GoswamiSir आप फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी बच्चों के लिए ऐप के ऊपर जो है ये 300 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, आप स्टैटिक जीके के नाम से एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, उस पर जाइए और ये आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आपको मैं अपडेट करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।